नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने संविधान दिवस पदयात्रा एवं विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के संबंध में की प्रेस वार्ता। कल संविधान दिवस पर भोपाल में शौर्य स्मारक से निकलेगी भव्य संविधान दिवस पदयात्रा। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर निकलेगी संविधान दिवस पदयात्रा। शौर्य स्मारक पर संविधान की शपथ से शुरू होकर बोर्ड ऑफिस, अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुनः शौर्य स्मारक पहुंचेगी यात्रा। हजारों की संख्या में युवा होंगे शामिल। ओलंपिक पदक विजेता युवा खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि भी होंगे शामिल। आज से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की शुरुआत। चार चरणों में होगी प्रतियोगिता। वहीं विजेताओं को मिलेगा दिल्ली में पीएम मोदी के सामने विकसित भारत के लिए अपने प्लान रखने का अवसर। मध्य प्रदेश में आज से माई भारत पोर्टल पर हुई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। 11 से 12 जनवरी को दिल्ली भारत मंडपम में होगा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम। 12 जनवरी से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का होगा आयोजन। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की तरफ और नेहरू जी और नेहरू परिवार की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने किया है। अंबेडकर जी को पूरी जिंदगी नीचा दिखाने का काम किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया है। नेहरू जी ने कभी अंबेडकर जी को संसद नहीं पहुंचने दिया। पर हम इसमें विवाद नहीं करना चाहते। अब दिग्विजय सिंह जी की तो आदत है कि हर चीज में विवाद करना। ये हमारा सार्थक कार्यक्रम है। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस देश में हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है वो इसमें शामिल हो। मैं तो चाहता हूं बाकी लोग भी शामिल होना। ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। मेरा ये कहना कि विरोध ना करें। मेरा कहना है कि हर चीज में टंगड़ी अड़ाने की जो आदत है दिग्विजय सिंह जी की वो ठीक नहीं है। आमंत्रित करते हैं कि हम तो सबको पूरा देश आमंत्रित है। पूरे देश में निकल रही है, आज दिल्ली में निकल रही है और कल पूरे देश के प्रदेश की हर राजधानी में निकल रही है। तो यदि मेरा ये कहना है कि टंगड़ी अड़ाना और हर चीज के सार्थक में विघ्न डालना ये ठीक नहीं है। इसके आगे बात करिए। मुझे लगता है पॉलिटिकल अपने कैबिनेट मंत्री को बचा नहीं पाए। अब देखिए, बिल्ली के भाग से छींका फूट गया तो 2-4 दिन आनंद कर ले दीजिए। अब आप उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। सही मायने में जो रिजल्ट आया है ये भी तो देख लें कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। पटक पटक के पिटाई हुई है। सर अखिलेश यादव ने भी इस पे ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि विजयपुर में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हार गए, ये बदलाव की शुरुआत है। और वो उत्तर प्रदेश में जो बुरी तरह आ रहे हैं उस पर अखिलेश जी नहीं बोलेंगे, जो सिमट गई सपा। देखिए, ये सब में जितनी हवा लोकसभा के चुनाव में भरी थी ना, देश की जनता ने पंचर कर दी है। चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को आकलन करना चाहिए कि सकारात्मक राजनीति करो, नकारात्मक ना करो। ठीक है साहब, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।